अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 23.1 के प्रीवियस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम उस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का मैंने फॉर्मूला लिखा है और ये कंडीशन कैसे बनी थी ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग वो वीडियो देख कर आए होंगे तो उनके लिए दोबारा इसको एक्सप्लेन करना है, टाइम वेस्टेड होगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, जो रेक्टेंगल शेप का है, तो मैं उसको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का जो है वो बना लेती हूँ। सही, ये रेक्टेंगल के लाइन मैंने टेढ़े कर दिए, चलिए स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, वो एक रेक्टेंगल शेप है स्विमिंग पूल की। ठीक है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल देखते हैं स्विमिंग पूल्स को, और उसमें पूल जो है वो 50 मीटर एंड 30 मीटर डायमेंशन दी हुई है। तो इसका मतलब जो लेंथ होगी, लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है तो 50 मीटर होगी, और जो दूसरी डायमेंशन आपको दी हुई है वो है 30 मीटर। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर ये वाली भी कहलाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ, और ये वाली भी कहलाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप यू लाइन ड्रॉ करें या यू लाइन ड्रॉ करें। अभी फिलहाल मैं यू लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने 30 मीटर 50 मीटर यहाँ लिखा है, लेकिन अगर ये 30 मीटर है तो ये साइड भी 30 मीटर है, और अगर ये वाली साइड 50 मीटर है तो ये वाली साइड भी 50 मीटर ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आप देखें अगर इसको, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, मतलब ये एंगल है इसका 90 डिग्री का। सही है, तो आप इसको नेम कर दे देते हैं, ये ए, ये बी है और ये सी है। ठीक है, या ए बी सी, जिसको भी आप जो नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, आपने देखना है कि, अच्छा आपको पता है सी के अपोजिट वाली साइड सी होती है, और ए के अपोजिट साइड ए होती है, और बी के अपोजिट साइड बी होती है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सही, अच्छा अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। पहले तो आप लेट एक्स को कंसिडर कर लें, एक्स ये हमें मालूम करना है ना सी, तो इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं सी के बजाय फिलहाल। तो लेट एक्स बी द लेंथ, बी द लेंथ बिटवीन द कॉर्नर, लेट एक्स बी द लेंथ बिटवीन कॉर्नर्स। ठीक है, द कॉर्नर्स, अच्छा बिटवीन मैंने ऐसे लिख दिया, आप फुल फॉर्म में लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉर्मूला जो है हमारे पास है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम ये पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज पढ़ रहे, तो हम जरूर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। साइड मालूम करनी है ना हमें, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम रेक्टेंगल की, अगर हमें दो साइड, रेक्टेंगल बोल रहे हो, ट्राइंगल की अगर हमें दो साइड गिविन हो तो हम इजिली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला है सी स्क्वायर, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कह सकते हैं। मैंने इज इक्वल टू को बोल दिया, प्लस है यहाँ पर। अच्छा अब क्या है, एच क्या है हमारे पास, एच को तो मैंने एक्स सपोज की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है एक्स, तो मैंने एक्स स्क्वायर सपोज कर लिया है। परपेंडिकुलर आपको 30 दिया हुआ है, 30 सपोज कर लिया, 30 स्क्वायर सपोज कर लिया दिया हुआ है, और बेस आपके पास है 50, तो 50 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 एंड 50 का स्क्वायर आएगा 525, और जीरोस डबल हो जाएंगे तो 2500 और एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा आप तो 900 एंड 2500 को आप कर लें सम, तो सम आएगा 3400। आप स्क्वायर रूट ले लें, ऑन बोथ साइड वर्डिंग भी मेंशन कर दिया करें, मैं आपको बताती हूँ कैसे अच्छा रहता है वर्डिंग मेंशन करने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेकिन आप लोग बोलते होंगे आप क्यों नहीं करती, बस टाइम बचाने के लिए, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपने टाइम नहीं बचाना, आपने स्कोर गेन करने। स्क्वायर रूट 3400 है, तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर मैं आपको दिखा दूँ, या चले आप एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा कि इस तरह की कंडीशन आएगी आपके पास। सही है, या आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट कर देंगे कैलकुलेटर से, तो वो भी मसले की बात नहीं है, जब आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, मैं और लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 58.31। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड साइड जब वो गिवन नहीं थी, ये वो आ गई है। ठीक है, थर्ड साइड लॉन्गर साइड होती है इन दोनों साइड से, तो वो ऐसा ही आंसर आपके पास आया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको, और एलसीएम लेना आता है 3400 का, अगर आप चाहें एलसीएम इस तरह रफ में
टू के टेबल से स्टार्ट करके जो आप करेंगे सॉल्व तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट्स। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, और इन्होंने कह दिया कि 8 यूनिट है, तो इसका मतलब ये भी 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट है, और ये भी 8 यूनिट ही है। यूनिट लिख दो, चलो यूं लिख देती हूँ सिंपल ना, ठीक है, यहाँ पे यूनिट पूरा लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं छोड़ी ना मैंने। अच्छा आप इसको नेमिंग दे दें, ट्राइंगल क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ए, ये कहलाएगा बी, और ये कहलाएगा सी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी है प्रीवियस, तो इसमें एल्टीट्यूड हम न्यू ड्रॉ करते हैं जो कि किसी भी एक साइड से परपेंडिकुलर होता है। तो अभी फिलहाल मैंने इस साइड को परपेंडिकुलर लेकर ड्रॉ कर दिया, मैं यू भी ड्रॉ कर सकती थी और यू भी ड्रॉ कर सकती थी। अब इस ट्राइंगल में ना आपको ये वाली साइड मालूम करनी है एक्स, सही, और ये तभी आप मालूम कर सकेंगे, या तो आप ए, इसको नाम देने डी, सही है, या तो आप ए डी सी ट्राइंगल चूज कर लें या ए बी डी चूज कर लें। तो मैं फिलहाल ए बी डी चूज कर लेती हूँ। तो अब ए बी डी ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ तो किस तरह का बनेगा, मैं यहाँ बनाती हूँ, देखें सॉरी मैं ए डी सी ही चूज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर ली ना, तो मैंने ये हाफ ट्राइंगल ले लिया। अब हाफ लिया है तो जो नीचे वाला जो बेस है ना वो 4 4 यूनिट लेनी होगी मुझे, क्यों, क्योंकि 8 यूनिट तो दोनों को मिलाकर है ना, इसलिए। अच्छा ये हो गया ए डी और बी, और फिर ये 8 यूनिट पूरी है क्योंकि हमने पूरी साइड ली है। अब क्या करेंगे, लेट एक्स एक्स इज इक्वल टू लेंथ, सही है, लेंथ के बराबर है लेट, ये आपने सपोज किया, ठीक है, इसको जरा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लिख देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस यहाँ पर हमारे पास है 8 यूनिट, तो आ जाएगा एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास कुछ नहीं है तो एक्स है, यही तो मालूम करना है, यहाँ पर लिख देती हूँ एक्स, तो ये है एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बेस है 4 यूनिट, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, 8 8 हो जाएगा 64, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 4 हो जाएगा 16, ठीक है। अब 16 पॉजिटिव का इस साइड हम अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव का, तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप 64 और 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, 48 एक्स स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स अगर स्क्वायर रूट ले लूँ मैं बोथ साइड, तो स्क्वायर से तो यहाँ रूट कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा, मैं एलसीएम भी करके देख लेती हूँ और दूसरे तरीके से भी, ठीक है, 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are एंड 2 6s are एंड 2 3s are और 3 1s are, ठीक है, तो ये दोनों पेयर बन रहे हैं और 3 स्क्वायर रूट में आ रहा है ना, तो जो पेयर बन जाएंगे ना 2 और 2 वो जाएगा 2 2s are 4, और जो स्क्वायर रूट में जाएगा इसका पेयर नहीं बना वो इसी तरह इस वैल्यू में आ जाएगा। तो ये जो आपके पास लेंथ आ गए एल्टीट्यूड की, तो आप बता दें कि भाई लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह वर्डिंग जितनी मेंशन करेंगे उतना अच्छा है भाई, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट्स कहा हुआ है ना, तो यूनिट ही करना होगा आपको, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो कह रहे हैं कि द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ, 3 लेंथ दी हुई आपको और कहा हुआ है लॉन्गेस्ट साइड इस 20। इसका मतलब ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि इस तरह का है तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है 20, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि एक्स क्या है और एक्स प्लस फोर क्या है, तो एक्स प्लस फोर ये भी हो सकता है, एक्स ये भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें डायग्राम को मेंशन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर एक्स है या बेस एक्स प्लस फोर है, मतलब इसमें बस हमें लॉन्गेस्ट साइड ये पता है कि हाइपोटेन्यूज 20। तो आप क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल है बस इन्होंने ये कह दिया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लिखें बस बाय पाइथागोरस थ्योरम और लिखें फॉर्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं कि यही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। अब आप लोग इस बात के लिए कंफ्यूज ना हो कि 20 तो आपको यहाँ लिखना है, ये मत सोचें कि मैं परपेंडिकुलर में क्या लिखूं बेस में क्या लिखूं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ चाहे एक्स लिखें या चाहें एक्स प्लस फोर जो उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है कि
आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab, 2a, ए मतलब एक्स, बी मतलब 4, 2 4 8, 8x, 8x, और 4 4 16। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और चाहे तो अलग से पहले ब्रैकेट अप्लाई करके फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हो जाएगा एक्स एक्स 2x स्क्वायर, और ये प्लस 8x एंड 16, आप ऐसे ही लिखें, 20 भी ऐसे ही लिखें। अब इस इक्वेशन को ना आप क्या करें, 20 ऐसे क्यों लिखे, 20 पर तो स्क्वायर है, मैं कैसे भूल सकती हूँ 20 पर स्क्वायर है, तो आप इसे बना दें 400। ठीक है, अब 400 है तो ये आप ऐसा करें, इस पूरी इक्वेशन को एक साथ कर लें, तो ये 400 पॉजिटिव का है तो इसे इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो लिखा हुआ ये माइनस का 400 बन जाएगा यहाँ आकर, क्योंकि उस साइड था ये पॉजिटिव का। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर थोड़ा इट इज ऐसे ही रहेगा, ये 8x भी ऐसे ही रहेगा, 16 आप 400 में से कर ले माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3h4। अच्छा, अब आप चाहे तो इसकी डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, और चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आ रहा है इसमें 2, 2 मैंने ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 2 1 2, और यहाँ ये 1 कैरी, 2 9 18 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 192 = 0। अब ये 2 जो यहाँ पर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह की एक फॉर्म जो है वो बच जाएगी। ठीक है, अब आपको बनाना है एलसीएम, ऐसे एलसीएम करना है कि 192 आए, तो एलसीएम का तरीका ये है कि पहले आप एलसीएम नहीं, मिडिल टर्म बेकिंग का तरीका ये है कि आप पहले कर लें एलसीएम, 2 2 के टेबल से करें एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2, हाँ 2 9 18, सही है, 2 9 18 जी बिल्कुल, एंड 2 6 12, फिर 2 का टेबल यूज करें, 2 4 2 8, फिर 2 2 और 2 4, देन 2 6, 2 6 नहीं, 2 1 एंड 2 2, कैसी बातें कर रही हूँ अभी, 2, फिर हो जाएगा 2 6, सही है, 2 3 एंड देन 3 1 3। ठीक है, आपके पास याद है फैक्टर्स, आप उसका कर लें एलसीएम, तो इस तरह एलसीएम करें कि मल्टीप्लाई करने से 192 आए और माइनस प्लस करने से 4 आए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मैंने पहले हाफ कर लिया, 16 आ गया यहाँ पर, फिर 2 2 4 और 4 3 12, तो 16 और 12 से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 4 आएगा, तो मैं मिडिल टर्म में ब्रेक कर रही हूँ इसको इस तरह, पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और फिर मैं लिख रही हूँ प्लस 16x, क्योंकि मुझे पॉजिटिव का चाहिए, और माइनस 12, माइनस आंसर मुझे पॉजिटिव का चाहिए ना, प्लस 16, 4 तो प्लस का ही आए, 192 एंड इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर ये फैक्टर नहीं बन रहा हो तो आप और भी डिफरेंट फैक्टर्स को चूज करके मतलब कर सकते हैं, अभी तो डायरेक्टली ये हो गया। अच्छा, आप इन दोनों में कॉमन जो भी है वो मैं लिखूंगी यहाँ, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो मैंने यहाँ एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 16। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन है 12, तो मैंने माइनस का जब 12 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आएगा एक्स, और 12 16 जो होता है ना 192 होता है, आप लोग चाहे तो 192 को 12 से डिवाइड करवा कर चेक कर लें, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, इजिकल टू 0, ये इसमें मर्ज हो गया, सही नहीं लग रहा, एक मिनट ने बॉर्डर कर। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 16 आप एक बार लिख देंगे क्योंकि ये फिर कॉमन निकल रहा है, और x माइनस 12 इस तरह, और इजिकल टू 0, और फिर आप बोलेंगे कि भाई इक्वलिटी मेथड लगाएंगे, x प्लस 16 भी जो है वो 0 के बराबर है, x माइनस 12 भी जो है वो 0 के बराबर है। अब x प्लस 16 जो है वो उधर जगह उधर इजिकल टू के उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और माइनस का 12 वहां जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का 12। अब इनमें से सही कौन सी है, पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो सही वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि जो कोई साइड है ना वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो आपके पास जो वो आंसर कहलाएगा इस लेंथ का वो कहलाएगा एक्स इजिकल टू 12। ठीक है, लेंथ डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते, सही है, ये आ गया आपका आंसर। अब आपके पास जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें कह रहे हैं कि एक मैनेजर है जो कि जा रहा है ईस्ट की तरफ। अच्छा, मैनेजर है, समझे, यहां मैं बना रही हूँ ना, एक मैनेजर है, बंदा है, पहले आपको मैं ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर होता है साउथ, देन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है,
अब बंदा यहां पे खड़ा है, वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, देन कितने गया ईस्ट की तरफ, 18 मीटर, सही है ठीक है, 18 मीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहाँ भी मैं अपर डायरेक्शन बनाऊंगी। फिर यहाँ आके वो रुक गया और नॉर्थ की तरफ कितना गया है वो, 24 मीटर गया है। तो चलो थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जहां ये यहाँ था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करें आप। उसने भले वो घूम फिर के कहीं से भी गया, लेकिन आपने इसके पॉइंट मालूम करना कि पहले वो जहां था वहां से लेके वहां तक का उसका कितना डिस्टेंस है। तो आप इसको एक सपोज कर लें जो आपको मालूम करना है ठीक है। ट्राइंगल को वैसे ही आप ए बी सी सपोज कर सकते हैं, और आपको पता चल गया कि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। खैर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, में ये अलग अलग इसलिए लिखते थे ताकि आप लोग को पता चले कि दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हाइपोटेनस तो यहाँ एक्स स्क्वायर है जिसको डिस्टेंस बोल रहे हैं यहाँ पर, और बी जो है वो 24 है, बी 24 सॉरी परपेंडिकुलर ना, बी यहाँ पर 18 है क्योंकि मैं यू एंगल बना रही, तो मैं इसे बेस कंसिडर कर रही हूँ। बी यहाँ पर 18 स्क्वायर है और परपेंडिकुलर यहाँ पर 24 का स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 324, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अब आप कर ले बस इसका सम, तो इसका सम आएगा आपके पास 900, एंड देन स्क्वायर रूट कर दें इस वैल्यू का, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर रही हूँ मैं ठीक है। यहाँ पर करेंगे दोबारा लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट लिख कर करें ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आप जब 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 और 0 जाते हैं हाफ। इस तरह भी निकाल सकते हैं और बाकी कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हैं तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया है स्टूडेंट्स ठीक है, जो उसने कवर किया मैनेजर ने, कितना है 30 मीटर। मुझे मीटर मेंशन करना होगा क्यों, क्योंकि ये यूनिट्स भी आपको मीटर में दिए हुए हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं जिस एक्सरसाइज के भी वीडियोस मैं बनाऊँ जो पहली प्रायोरिटी है तो आप लोग वो मुझे बता सकते हैं ठीक है। वीडियो आगे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।